गोपी बहू, ये तुमने कितनी रोटियां बना डाली? अब बोलो तुम। कुकर से चने किसने निकाले थे? प्यार से बोलती है, माँ जी 13 रोटियां बनाई है। मदद फरमा ऐ अल्लाह, इसके आगे आने वाले तमाम शर लोगों का जल्द अज जल्द यहाँ से दफ़ा फरमा। ऐ अल्लाह, इनसे इस मुल्क को छुटकारा अता फरमा। ऐ अल्लाह, इस ये मुल्क लालची लोगों के दरमियान घिरा हुआ है, अल्लाह इन सब से उसको महफूज फरमा। ऐ अल्लाह, इस मुल्क हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमा। ऐ अल्लाह, आवाम का खैर ख्वाह नुमाइंदा अता फरमा। अच्छा हुक्मरान इमरान खान की शक्ल में जो अता हुआ, अल्लाह तो इसकी मदद फरमाते हुए दोबारा इसे इक्तदार नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, जो इस मुल्क के खैरख्वाह नहीं है, अपने ज़ाती मफाद के लिए इसके आगे आ रहे हैं, अल्लाह उन सब से इसको छुटकारा अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला रसूल खैर खल्क़िही व नूर शी सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहाबी अजमईन, आमीन बिरहमतिक या रहमान रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। क्या कर रही हैं आप? सहरी के लिए आलू गोश्त बन रहा। आपको तो बहुत शरीर नींद आ रही थी अभी। बस अब नींद भाग गई। और आपको देख के मुझे भी नींद आने लग गई थी। और मैंने तुम्हें भी नहीं सोने दिया। पहले तुमने मुझे नहीं सोने दिया, मैंने तुम्हें सोने नहीं दिया। ये सब एक साथ डाल देंगी? हाँ, कुकर में सब एक साथ डाल दो, लेकिन पहले जो है ना गोश्त को अदरक लहसुन में भून लेते हैं। पॉज करो। मैंने आपके आलू गोश्त की बड़ी तारीफें सुनी है। किसने सुनाई है? उबैद बोलते हैं चच्ची ना आलू गोश्त का सालन बहुत मजे का बनाती है। और याद है शादी से पहले एक दफा हम लोग आए थे, तो और आलू गोश्त का सालन बनाया था, इतना मजे का बनाया था। तो तुमने तारीफें सुनी है? तो फिर सुनी भी है और खाया भी है, लेकिन अब बहुत पुरानी बात है वो। अब जो है ताज़ा ताज़ा दोबारा बना के खिलाएं कि वही टेस्ट है या नहीं है। कैसे बनाती हैं देखो? ऐसे बनाती हैं रोज के प्याज काटी ना, देखो पहले तो ना अदरक लहसुन गोश्त को लाजमी अदरक लहसुन में भूनना है, क्योंकि फिर हम सब चीज़ें एक साथ डाल देते हैं ना। मैं कह रही थी बराबर से, मैं से ऐनी के ऐसे अफ्तारी आई थी, उसकी प्लेट नहीं मिली थी मैंने अभी। हाँ तो वो मैंने फ्रिज में रख दी। फ्रिज में रख दी उसको, तो मैंने कहा क्योंकि बाकी उसके बर्तन मैंने कर दिए, उसने भेजा था ना। हाँ, मैं यही बोल रही थी ये कटोरी नहीं, बहुत अच्छी अफ्तारी थी, मज़ा आया, ऐसे रोज भेज दिया करो। हमें भी टेंशन नहीं है। हाँ, हमें जब हमारी सासू माँ बना के दे रही है तो हमें क्या टेंशन होगी। कभी तो कुछ डाला भी नहीं डाला भी नहीं। तेल में बस मसालों में फ्राई होगा। डाली सिर्फ तीन चीजें, नमक, मिर्च, हल्दी, बस इतना जायका ऐसा। और हरी मिर्ची तो डाले? नहीं डाले। वो तो खैर आलू के साथ, जब पूरा सही से मसाला भून जाएगा ना जब डालेंगे। देखो मैंने ना प्याज लाल की, प्याज भी कैसी डाली है, अभी ये कुकर में सब गल जाएगा और फिर ना गोश्त निकाल के फिर हम भून देंगे। अच्छा सही। गोश्त निकाल के फिर मसाला भूनेंगे, फिर आलू डाल दो, फिर आलू डाल के गोश्त एक साथ डाल देंगे। अब चाय पियेंगे, बना दो। लेकिन शहरी में चाय हो जाएगी, तुम पियोगी? हो जाएगी, शहरी में पियेंगे ना। शहरी नहीं, मैं भी शप्पू, आपने पानी डाला कुकर में? ये वीडियो आप लोग के चक्कर में ना, देखो अभी हमारा कितना खतरनाक हो जाता, फट जाता। देखो और मुझे एकदम वो याद आया, मैंने कहा इन्होंने सब कुछ डाल के कुकर बंद कर दिया, सीटी भी लगा दी इन्होंने और पानी तो डाला ही था कि पानी डालने। देखिए अच्छा हुआ ना, जब भी मैं इतने सवाल करती हूँ, देखिए आज काम लेकिन, लेकिन क्या कहते हैं वो उसका गोश्त का टमाटर का पानी आया तो बचत हो गई है। अगर अभी हम भूल जाते और नहीं डालते तो फिर कुकर फट जाता।
शुक्र बचत हो गई। ये वीडियो के चक्कर में हुआ है सब। हाँ। मैंने नमक डाला था ना जी, अभी कम है नमक वैसे, बाद में जब आलू डालेंगे ना, अभी इतना गर्म हो रहा है। ये देखें जरा, ये होता है खुदा ना खास्ता, ये फट जाता है कुकर, पता है ये पानी एकदम खत्म होता है या तो गोश्त जल जाता बिल्कुल। इनकी बहुत मजे की खुशबू आ रही है। बस कितना रह गया, यही भूख लग रही है, बस जल्दी से, अभी तो बाकी है, अभी तो बहुत टाइम है। अभी कहाँ गला, पानी कम है, मैंने कहा टमाटर वो कर दूँ ना थोड़ा सा। मैं भी शप्पो। ओहो नमाज पढ़ रही है, सालन चढ़ा के नमाज पढ़ने खड़ी हो गई। इतनी ये इसको मैंने आज इसको इतनी नींद आ रही है, मैंने कहा आज तुम वीडियो बनाओगी, ये इतनी बेजार हो रही है वीडियो बनाने में। मैं बार बार बुलाती हूँ, पता नहीं क्या नमाज पढ़ रही थी तो आवाज़ें देती गई थी, क्या का, कोई काम था नहीं, सालन की खुशबू आ रही थी। देखो सिर्फ चम्मच चलाने में ही देखो कैसा सब हो गई, घुल गई प्याज व्याज। इसको दोबारा बंद कर देंगे, फिर 10 मिनट के बाद जो है ना आलू डाल देंगे। अभी हो गया ये थोड़ा सा रह गया, अब हम मिलते हैं सहरी में। नहीं सहरी में नहीं, आलू डालते वक्त सोने जा रही हूं। आलू डालते वक्त आपसे मिलेंगे और ये आज ना मुझे सोने नहीं देंगी ये। बिल्कुल भी नहीं सोने देना है इसको, ये थोड़ा सा चटखारे लो, खुशबू के मजे लो। तुम्हें शौक हो रहा था आलू गोश्त का, पड़ा रहता है ये तुम्हारी सही नंद है, ये वो नहीं है देवर नहीं है, नंद है इब्राहिम। इधर देखो पीछे इब्राहिम नंद हुआ मेरी। अभी गेम स्टार्ट हो गई, रुताबा तो सो गई, हम आ गए बेचारी, कितनी देर से मैंने जगा के रखा हुआ था। कुकर खुला है, बार बार लगा है, शोर तो है। ये शोर नहीं हो। व्यूअर्स को दिखाओ कितना अच्छा कलर आया ना, अब इसमें हरा मसाला डलेगा कितना अच्छा लगेगा। आलू लेने, आलू हमने काट के ये धो के रखे हैं, आलू डाल दिए, थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें अभी, और अभी कुकर ही बंद कर देंगे, जल्दी बन जाएगा। हाँ हाँ हाँ, क्या आलू गोश बनाया है मैंने, देखो भाभी शायद ऊपर चली गई सोने। अय अल्लाह, हैप्पी गुड मॉर्निंग हो गई भाभी जी, हो गई, मैं सोने दूंगी इसको, सहरी बनानी है 10 मिनट। ये दोनों लग गए फिर से पराठे बनाना, पराठे बनाने रोटी। तुम ये फ्रेंड्स मेरे मियां लाल आटा ले आए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये पहली आई है जिनको लाल आटा अच्छा ही नहीं लग रहा। इस मजे की रोटियां बनती है, स्किन नरम मुलायम, यहाँ पे चूल्हा भी जल गया है और यहाँ पे पेड़े बन रहे हैं, ये पेड़े बन रहे हैं। वाओ ओके, ये दोनों लगी नहीं है, और तुम कब लगोगी? मैं लगती तो हूँ, पराठा नहीं बनाती खुद के लिए, चाय नहीं बनाती खुद के लिए। मम्मा ये पेड़ इतने सारे अभी बन चुके हैं, लेकिन और बनने हैं अभी, क्योंकि हमारे घर बहुत सारे लोग हैं। अब बेलने का काम है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बंद कर दूं, पराठे रही है, रोटी है, बंद कर दूं, आज खाएंगे सब रात को, ना भाईजन ने भी खाना नहीं, बंद कर दूं, बना ले, बंद कर दूं, खाना काफी है, बंद कर दूं। नहीं उधर हो, पीछे हमारी बातें सुनो। हाँ ये सास बहू की बातें, सास बहू की बातें, हम डिसाइड कर रहे हैं कितनी रोटियां बननी चाहिए, क्योंकि रात को आज किसी ने खाना, जैसे सास बहू का सीरियल आता है ना वैसे सास बहू की बातें चल रही है यहाँ पे। ऐसे ही होता है ना, कोकिला बहू नहीं, कोकिला बहन, गोभी बहू, ये तुमने कितनी रोटियां बना डाली, अब बोलो तुम कुकर से सने किसने निकाले थे। प्यार से बोलती है, माँ जी 13 रोटियां बनाई है। तुम थी जी, मैं थी, कौन था, मम्मा आजकल तो शायद अफरीदी भी ये पूछ रहा है रसोड़े में कौन था। क्या? मैं थी, तुम थी, कौन था? इजी करके दे रही हूँ बहन, चले बस मैं खुद इजी कर लूँ, बंद कर दूँ अब।
अभी मैं जा रही हूँ, अब रुतावा बनाएगी सारी 14-15 रोटियाँ। बताए मम्मा, देखें कितना जुल्म कर रही है ये मुझ पे। अमरबाजी देख लो, दो दिन का सारा निकलवाऊंगी इसी से। मम्मा बंद कर दूँ? मम्मा के हाथ की सहरी की थी। देखो मेरे आलू गोश्त सहरी में निकाल दिया। क्या इब्राहिम, क्या बोल रहे हो? हाँ तो ओहो, कैसे निकल गया तुम्हारे मुंह से? थैंक यू। बस क्या करे, बोलना ही पड़ा। नमक लाऊं? नमक कम ही लग रहा था।